वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि गुड़िया के ग्रीन टॉप जैसे टॉप की कटिंग स्टिचिंग हम आपको बता दें, तो आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वही वीडियो जो आपको चाहिए थी। आज हम आपको ग्रीन टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट करके बोला था जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। हाँ, नहीं पता चले शादी ही निकल जाए। हाँ। सारी और बताएं, बना ही नहीं पाए सर। और आप लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके बोला था जल्दी बना दो, आप लोगों को शादी में जाना। एक जन ने कम से कम 3 से 4 लोगों ने कमेंट किया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि प्रीति, आप लोग जो भी टेलरिंग का सामान या जो भी मशीन के एक्सेसरीज वगैरह रहते हैं या फिर मोटर वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तो वो हम लोग लेते हैं ऑफलाइन मार्केट से, बट आप लोगों के ऑफलाइन मार्केट में ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना कोई ऑनलाइन साइट के बारे में बता दूं जो जहाँ पे हर चीज मिल जाए अच्छे से आसानी से। तो फिर मैं ढूंढ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी साइट मिल गई है जिसका नाम है WSMShop.in। सिलाई मशीन से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, कैंची वगैरह, मोटर वगैरह। इसमें मोटर आपको 3 टाइप की मिल सकती है। एक तो सबसे छोटी मोटर होती है जो आप लोग हाथ वाली मशीन होती है ना उसमें भी लगा सकते हैं, यहाँ पर साइड में आराम से लग जाती है। हाँ। इसके बाद आपको मिल जाएगी एक वो छोटी मोटर होती है ना उसको बोलते हैं मिनी मोटर, एक होती है मीडियम साइज की और एक होती है साउंडलेस मोटर। तो इन तीनों मोटर में से आप जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं और ये सभी आपको कॉपर वायरिंग में मिल जाएंगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेकआउट करके आपको वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए इसके साथ, तो आप हमारा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। हमारा कूपन कोड है दर्पण बुटीक, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साइट का और कूपन कोड भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कूपन कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस साइट पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आप तो एक गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी मतलब आपको लगता है कि ये डाउट है, कुछ भी डाउट होता है, तो आपको इनका नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इसी वाली साइट पे इनका व्हाट्सअप भी हो जाएगा। तो चलिए अब अपने ग्रीन वाले टॉप की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा कि कौन सा वाला ग्रीन टॉप किसकी कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं। हाँ। तो ये रहा हमारा ग्रीन वाला टॉप, इसी की हम कटिंग स्टिचिंग आपको आज बताने वाले हैं। और ये आपकी हाई रिक्वेस्टेड डिमांडेड वीडियो है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फैब्रिक आपको समझा देती हूँ कि किस चीज के लिए आपको कितना फैब्रिक लेना है। तो ये जो स्लीव्स अपन ने लगाई है बलून वाली स्लीव्स है और ये जो नीचे का घेर है, ये इन दोनों को मिलाकर जो हमारा फैब्रिक लगेगा वो लगेगा 2.5 मीटर। तो इसके लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो ये वाला है, ये वाला फैब्रिक 2.5 मीटर है। और हमने जो चोली के लिए फैब्रिक लिया है, चोली के लिए फैब्रिक हमने 60 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि मेरा साइज कम है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आपको चोली के लिए फिर 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। और चोली के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो है ये वाला। और इसमें यहाँ पर लगेगा अस्तर और अस्तर की हम यहाँ पर पट्टियां लगाएंगे। तो वो वाला जो कपड़ा लिया है हमने अस्तर के लिए वो लिया है हमने 1.5 मीटर। तो अब करते हैं हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट। और फ्रेंड्स, इसको ना आप बता शॉर्ट मतलब लॉन्ग वाला ब्लाउज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ना इतना बड़ा टॉप टाइप का है और ब्लाउज का भी काम कर रहा है ये। और बताए इसके नीचे चल भी रहे हैं। हाँ, इस टाइप के ब्लाउज इसको आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं और इसको लहंगे के साथ तो फिर वेयर कर ही सकते हैं। हाँ, लहंगे के साथ और एक प्लाजो के साथ भी कर सकते हैं दीदी। तो ये दोनों कपड़ों को अभी हम हटा देंगे और सिर्फ अस्तर के लिए लेंगे, अस्तर को खोलकर सिंगल कर लेंगे। अब हमको इसको डबल में फोल्ड कर लेना है दोनों किनारी मिलाकर। ये हमारा डबल हो गया, इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेना है। आपको यहाँ पर सीधा निशान लगाना है कपड़े को सीधा करने का। इसके बाद यहाँ पर तिरछा निशान लगाना है, 1 इंच तिरछा। 1 इंच हमने शोल्डर को डाउन कर लिया है, शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं, उसका आधा हो जाएगा 7 इंच। अब हमको आर्मोल्स का निशान लगाना है, तो आर्मोल्स रख रहे हैं हम 6.5 इंच पर रखेंगे और इंची टेप को बीच सेंटर में रख लेंगे। चोली की लंबाई हमारी तैयार 14 आएगी तो हम 15 पर निशान लगा लेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा। अब हम फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। सीने की फिटिंग हमारी 31 इंच है, 3 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा, 8.5 पर हम निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स, सीने पे हम 3-3 इंच की लूजिंग डाल रहे हैं इसमें क्योंकि ये अस्तर वाला है, बिना अस्तर वाला होता तो हम 2 या 2.5 की लूजिंग डाल सकते थे। कमर पर हम लेकिन 2 ही इंच लूजिंग डालेंगे क्योंकि नीचे से अस्तर नहीं लग रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगा तो नीचे से फिर ढीला ढीला दिखेगा, इसलिए कमर पे हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। तो कमर हमारी 26 इंच की है, 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 28 हो जाएगी, 28 का चौथाई भाग हमारा 7 इंच आएगा। ये हमारा 7 इंच आ गया, ये हमने निशान मार लिया है। इसमें हमको 1 इंच प्लस और कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हम टक्स भी डालेंगे, तो 1 इंच की हमारी टक्स हो जाएगी, तो हमने ये 8 इंच पर निशान लगा लिया है।
ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इस निशान से इसको मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर कर देंगे गोलाई। आर्महोल्स की हमने ये गोलाई कर दी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, एक कट हम यहाँ पर भी लगा लेंगे और एक सेंटर का कट। अब इसके बाद हमको लगाना है टक्स के निशान। यहाँ से हमको 3 इंच निशान लगाना है और लंबाई में 4.5 इंच का, ये देखिए ये 4.5 इंच हो गया हमारा। इसके बाद 1 इंच की हमारी पूरी टक्स रहेगी इस टाइप की, और अब बीच सेंटर से हमको निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान लग गया, एक यहाँ से ऐसा लग जाएगा और यहाँ से सिलाई ऐसी तिरछे में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे तिरछी सिलाई आ जाएगी हमारी। अब इसमें हम कट्स लगा देंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको सिलाई कहाँ से लगाना है। अब फ्रेंड्स ये वाली टक्स भरने के बाद ये देखिए इस टाइप की यहाँ पर टक्स भर जाएगी। इसके बाद ये वाली जो चोली है ना ये यहाँ लटकने लगेगी नीचे साइड को, इसलिए हम इसको हल्का हल्का से यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर कट वापस से मार लेंगे। इन दोनों कलर को अलग अलग कर लेंगे, बैक पार्ट इसमें से हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लेंगे। तो नेक की जो विड्थ रहेगी वो हम थोड़ी ज्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें हमें ये फ्रिल ऐड करना है, ये वाली फ्रिल लगाएंगे हम, तो यहाँ से हमको गले की फैलान भी थोड़ी ज्यादा रखना पड़ेगी। तो गले की जो विड्थ रख रहे हैं हम वो 3.5 इंच रखेंगे और गले की जो लंबाई रखेंगे हम वो 4 इंच की रखेंगे और 3.5 इंच ही यहाँ पर भी रख लेना है। ये बॉक्स बना लिया, अब हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई है और इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद इसमें हमने एक यहाँ पर छोटा सा वी भी बना रखा है, ये देखिए इस टाइप का, तो हमको ये वी कट करना है। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है, 7 इंच पर निशान मार लेना है। 7, 7.5, 8 भी रख सकते हैं आप गले को थोड़ा बड़ा भी, पर हम अपनी हाइट के हिसाब से रख रहे हैं तो हमारा 7 बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ से आपको पर निशान लगाना है और यहाँ से ऐसा तिरछे में स्केल रख लेना है। वी का शेप दे दिया हमने इसमें और इसकी कटिंग कर देंगे। गला हमारा कटिंग हो गया है, अब हम इसमें आर्म होल्स में गोलाई करेंगे। सिर्फ आगे अकेले करना है आपको, ये गोलाई हो गई है। अब बैक पार्ट को ले लेंगे, बैक साइड की गले की विड्थ भी हम 3.5 इंच ही रखेंगे और लंबाई में रखेंगे हम इसको 1.5 इंच का। आप चाहें तो इसको 2.5 भी रख सकते हैं, पर हमको ऐसा कॉलर टाइप का आ जाए उस टाइप का रखना है, इसलिए हमने इसको 1.5 इंच रखा है। अब इसकी भी गोलाई कर देंगे और कटिंग कर देंगे। ये हमारी दोनों साइड के गले कट गए हैं, अब इसको हटाएंगे और मेन फैब्रिक को लेंगे। चोली वाले फैब्रिक को सिंगल करके ले लिया है, अब क्या करना है आपको इसको डबल करके रख लेना है। डबल करने के बाद दोनों ही चोली को रख लेना है अच्छे से। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे बराबरी से इसकी भी। ये दोनों हमारे कट गए हैं और ये वाला जो हमारा यहाँ से जो कपड़ा बचा है इसको हम यहाँ पर जो पट्टी लगाना है हमको ये उसके लिए काम में आ जाएगा हमारा। और ये वाला जो फैब्रिक लिया था हमने नीचे घेर के लिए उसको ले लेंगे और इसको खोलकर सिंगल कर लेंगे। और सिंगल करने के बाद आपको इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हमने पूरा ही फोल्ड कर लिया है वहीं तक, इसको इसके ऊपर रख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड। चोली हमारी 14 इंच की थी तो 14 इंच हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद लंबाई जो है हमारी पूरी फुल लंबाई चोली की और नीचे घेर की मिला के तैयार है हमारी 31 आएगी। तो हम 32 पर निशान लगा देंगे, आधा इंच हमारा नीचे दबेगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा दोनों जगह। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, यहीं से कटिंग कर देंगे। इसको हटा दिया हमने, ये हमारा घेर है, इस घेर में से हम ये पहले किनारी को हटा देंगे कटिंग करके क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब। अब देखिए इसमें से हमने एक पार्ट हटा देना है, ये हमने बैक पार्ट इसमें से हटा दिया, ये फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें हमको कर लेना है यहाँ पर गोलाई इस टाइप की। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बंद वाला हिस्सा है, अभी हम इसको गोल करके खोल देंगे। इसको हमने घुमा लिया और यहाँ से इसमें गोलाई कर दी जो कि आपको नहीं दिख रही है। कैसे दिखेगी, क्योंकि वो तो नेट का फैब्रिक है, ये सब पूरा राउंड में आ जाएगा। दोनों साइड की घेर की कटिंग हो गई है, इन दोनों को हम हटा देते हैं अभी। और ये जो हमारी नेट रखी हुई है 4 फोल्ड में, इसको ऐसे ही लेंगे, इसमें से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स पे नीचे हम लगाएंगे इसमें 3 इंच की पट्टी अलग से और तैयार अस्तीन हमारी है 22 इंच। तो इसमें से हमको क्या करना है, 3 इंची टेप को ऊपर छोड़ देना है। इसके बाद 22 इंच की हमारी अस्तीन हो जाएगी और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है, आधा इंच नीचे सिलाई में दबेगा और आधा इंच ऊपर भी दबेगा। 23 पर हमने ये निशान लगा दिया, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी लगाना है 3 इंच छोड़ के 23 पर निशान। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, लाइन हमने खींच ली है। अब आपको क्या करना है, ये तो हमारा यहाँ का सेंटर हो गया, अब लास्ट में से जाएंगे और यहाँ से हमको 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। अब यहीं से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से एक तिरछा निशान लगा लेंगे। 3 से 3.5 इंच तिरछा कर लिया है इसको, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पर निशान लगा लेना है, यहीं पर एक छोटा सा कट मार लेंगे। एक कट आपको यहाँ पर सेंटर का लगाना है और इसके बाद एक कट आपको यहाँ पर 4 इंच की दूरी के बाद से कट लगाना है।
स्लीव्स को हटाएंगे और ये जो कपड़ा था हमारा इसमें से हम स्लीव्स की पट्टी निकालेंगे। स्लीव्स की पट्टी हमारी निकल गई है और चौड़ाई में हमने इसको रखा है 4 इंच का और लंबाई में हमने इसको बड़ा रखा है। देखिए हमारी फिटिंग स्टीम की यहाँ से यहाँ तक 8 थी, उसका आधा 4 हो जाएगा और इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन भी लिया है और यहाँ से इसको 1 इंच और बड़ा रखा है। इसमें से हमने ऐसी 4 पट्टियां निकाली है अस्तर की और ये 2 पट्टियां हमने मेन फैब्रिक की ली है। स्लीव्स का सारा काम हो गया है और ये अस्तर को अभी हम हटा देते हैं। अब ये जो हमारी नेट बची थी इतनी सी, इसमें से हमको गले की झालर कटिंग करना है। तो झालर की जो लंबाई रखेंगे हम वो 2.5 इंच की रखेंगे, तो इसमें से हमको 2.5 इंच की 2 पट्टियां निकाल लेना है। 2.5 इंच चौड़ी हमने ये 2 पट्टियां निकाल ली है। इसी के साथ हमारे पूरे टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चोली को ले लेंगे और इसको रखेंगे नेट को उल्टा करके, इसके ऊपर रख देंगे अस्तर को उल्टा करके। यहाँ से सभी जगह से कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है और इस वाले को भी ऐसे ही कर देना है। इसको अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसकी हम कर देंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग करने के बाद इसमें बनाना है हमें टक्स, तो आप इस साइड की तो बिल्कुल आराम से बना लेंगे, इसलिए मैं आपको इस वाली साइड की बनाना बता रही हूँ। इंची टेप लेना है और यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको यहाँ ऐसे सेंटर से पकड़ लेंगे कि बिल्कुल सेंटर आ जाए इसका। पकड़ लिया, ये दोनों कट को आपस में मिला देना है और यहाँ से ऐसे वी में इसकी सिलाई लगाना है। यहाँ दोनों साइड पक्की सिलाई करना है। अब हम इसको सीधा करके देखेंगे, एकदम सही बनी है। इसी के जैसे हम इस साइड भी बना देंगे। देखिए इस साइड बनाना तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से इसको पकड़ लेना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देना है और इसी के जैसे हम बैक पार्ट में भी बना देंगे। पार्ट्स में टक्स बनाने के बाद हम फ्रंट वाला नेक लेंगे और इसी के नाप से हमने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको हमें लेना है, यहाँ से खोल कर रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। सिलाई लगाने के बाद वी वाले हिस्से में कट लगा देंगे। इस पट्टी को इस साइड पलट के पूरा अंदर करेंगे, यहाँ से इस तरीके से अटैच करेंगे। पट्टी लगाने के बाद इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। अब हमें बैक पार्ट को रखना है सीधा करके और फ्रंट पार्ट को रखेंगे उल्टा करके और यहाँ से इस शोल्डर को अटैच कर देंगे डबल सिलाई लगाकर। दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। इतना नेक रेडी करने के बाद ये हमने जो फ्रिल की पट्टियां कट की थी 2, इनको ले लेंगे और इनको यहाँ पर हम आपस में ज्वाइन करके लंबी पट्टी बना लेंगे। लंबी पट्टी करने के बाद इसको हमें यहाँ से लेना है और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। यहाँ से इसमें हमें फ्रिल लगाना। अब यहाँ पे किनारी कट कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब यहाँ से हम फ्रिल बनाएंगे। इस तरीके से हमें छोटी छोटी चुन बनाते जाना है इसमें और ये फ्रिल लगाते जाना है। इसी तरीके से हम ये पूरी फ्रिल लगाते जाएंगे। और अगर आपको ये वाली टॉप की वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी दूर से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एंड कर देंगे। इसके बाद हमें ये एक फैब्रिक ले लेना है जो बचा हुआ है हमारा, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ निकाल लेना है। 2 पट्टियाँ निकाल ली है, इस पट्टी को लेना है और बीच में से हमें कर देना है इसको फोल्ड। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी लगाने के बाद इसमें हमने यहाँ पर लगाए हैं छोटे छोटे कट्स। ये देखिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए। इसके बाद इसको हमें पलट देना है। पलटने के बाद इसको अंदर करेंगे और ये वाली जो हमारी पट्टी है इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको पूरा यहाँ से अंदर करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इस वाली पट्टी के ऊपर, ये हमने एक डोरी ले ली है, ये है लगभग 16 इंच की। यहाँ पर डोरी को टांग देंगे। डोरी को टक करने के बाद इस मार्जिन को पूरा अंदर साइड कर देना है और इस फ्रिल को निकालना है बाहर। बाहर निकालने के बाद अब यहीं से हम इसको पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी हमने लगा दी है, सीधा करके पूरा नेक को चेक करेंगे। एकदम मस्त लग रहा है ये। और ये वाली डोरी भी यहाँ पर बंध जाएगी आकर और इसमें अगर आप चाहें तो छोटे छोटे लटकन लगा सकते हैं और नहीं लगाना हो तो कोई जरूरत नहीं। तो अब हमें लगाना है स्लीव्स, तो स्लीव्स हमने ले ली है और ये है हमारी बलून वाली स्लीव्स। तो पहले एक लेंगे और इसको खोल के कर लेंगे हम सिंगल और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक लास्ट तक की जो फैब्रिक की गैदर्स हमें बनाना है वो बनाना है इतने बड़े फैब्रिक में और वो भी गैदर्स यहाँ से रहेगी और इतना मार्जिन प्लेन रहेगा। इस वाले कट से हम गैदर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इस साइड भी बनाएंगे। जो हमने 4 इंच प्लेन छोड़ा था ना, मतलब 4 इंच पे जो कट लगाया था इतना प्लेन छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे। अब हम इसको मेजर करके देख लेते हैं। तो देखिए एकदम सही है, बस एक चुन्नट और बना देंगे जब स्लीव्स अटैच करेंगे तभी। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं कफ। तो शार्टन का ये साइनिंग वाला जो कपड़ा है इसको रखना है हमें सीधा करके, इसके ऊपर ये नेट को भी सीधा करके रख लेना है और इसके बाद इसको यहाँ से अटैच कर देना है। इसको अटैच करने के बाद
ये वाला शार्टन का फैब्रिक लेंगे और ये जो पतली वाली साइड है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें रखना है इसको और यहाँ से सिलाई लगा देना है। इसको लेना है और पूरा अंदर पलट देना है और यहाँ पर लगाना है इसमें पॉइंट की सिलाई। ये वाली सिलाई हमने लगा दी है पॉइंट की। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स को ले लेना है, कफ वाली चुन्नट है ना यहाँ से लेना है और इसको रखना है हमें सीधा करके और इस वाली पट्टी को लेंगे और इसको रखेंगे उल्टा करके, इस टाइप से रखना है देखिए, और इसको यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के इसको इसमें अटैच कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद इस वाले कफ को लाएंगे ऊपर साइड पलट कर और यहाँ से इसमें से आधे इंच अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। इसी की जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी बना दिया है, अब इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। मेजर तो हमने पहले ही कर लिया था और साइड की स्लीव्स हमने लगा दी है। इसके बाद यहाँ से हमें इसको पलट देना है और पलटने के बाद ये वाला जो हमारा निशान है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस निशान से यहाँ से लेके यहाँ तक फिटिंग कर देंगे और इसके बाद इसको हम घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इस वाले कट और इस वाले कट, यहाँ वाले कट को मिलाकर इस साइड की भी हम फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड की फिटिंग हमने इसमें कर दी है। अब इसको हम कर देंगे साइड में और अपना नेट वाला नीचे का घेर ले लेंगे और इसको खोल के कर लेना है हमें सिंगल बैक वाले पार्ट को। के बाद इसके ऊपर रख लेंगे हम फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा करके, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगाकर इसको फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद इसको हम कर लेंगे ओपन और ओपन करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे पूरे यहाँ तक, इधर तक के नाप की हमें लगाना है इसमें पट्टी, तो पट्टी कटिंग करना पड़ेगी। तो ये जो हमारा फैब्रिक बचा था ये वाला, अब यहाँ से हम करेंगे इसकी पट्टी की कटिंग, ये हमारे एक इंच की। तो वैसे हम हर चीज गुड़िया के टॉप के जैसे ही बना रहे हैं तो पट्टी भी उसके जैसे लगाएंगे, तो एक इंच की पट्टी है तो ये हमारी पट्टी थोड़ी अलग तरीके से लगेगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो एक इंच इस साइड का, एक इंच इस साइड का और आधे इंच सिलाई में दबने का। तो इसमें से हम ढाई इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे, वो भी दो किनारे हटाने के बाद। ढाई इंच चौड़ी हमने दो पट्टियां निकाल ली है, इनको भी आपस में ज्वाइन करके लंबा कर लेंगे। इसको बीच में से ज्वाइन करके हमने लंबा कर लिया है और इसके बाद इसको मेजर करके देख लेना है, अगर छोटा बड़ा हो, बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा था हमारा इसलिए हमने इसमें एक पट्टी और ज्वाइन कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको लेना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और यहीं से सिलाई लगाकर इसको लंबी पट्टी बनाएंगे। इसके बाद हम इसको करेंगे पलट के सीधा। तो यहाँ से हमने जो पैक कर लिया था इसको यहीं से ऐसे पैच कर इसको लेना है, इस तरीके से अंदर करते जाएंगे पूरी डोरी को। ये हमारी पट्टी सीधी हो चुकी है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर ऐसे घिस कर चपटी कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम नेट के इस वाले कोने से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके पूरी गोलाई में लास्ट तक लगाएंगे। इस पट्टी को हमने ऐसा रखा है, मार्जिन नीचे साइड है ये सिलाई वाला, ये हमने इसको फोल्ड किया यहाँ पर रखा और सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहीं से हमें इसको पलट देना है और अब लगाएंगे इस साइड सिलाई। यहाँ पर गोलाई है इसलिए हमारी छोटी छोटी चुना गई है पर ऊपर से नहीं दिखेंगी ज्यादा। यहीं पे इसमें हल्की हल्की से हम साइड से प्रेस लगा लेंगे, नेट के ऊपर नहीं लगाएंगे, यहाँ यहाँ साइड में लगा लेंगे तो एक जो सलार आएंगे ये भी नहीं आएंगे। वैसे ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अच्छी दिख रही है ऊपर से। तो ये देखिए इसको हमने ऐसे सीधा करके रख लिया है, ये हमारे आगे का हिस्सा है और ये रही हमारे आगे की चोली। तो इसमें क्या करना है, ये आगे का जो सेंटर रहेगा यहाँ से हम इसमें स्टार्ट करेंगे चुन बनाना, तो यहाँ से लेके बनाते जाएंगे और यहाँ से लेके ये जो मार्जिन की फिटिंग है ना यहाँ तक की चुन यहाँ के कपड़े में बनाना है, इतने फैब्रिक की चुन यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है और ये पूरे पीछे वाले की चुन, ये जो पीछे वाला फैब्रिक है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बना देंगे और ये जो इस साइड वाला फैब्रिक है इसकी चुन यहाँ पर बना देंगे। ये रहा हमारा सेंटर और यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो हमारा साइड का मार्जिन है ये वाला, इसको हम ऐसे तिरछा करके अलग कर देंगे ताकि ये फिटिंग में ना आए। ये आ गई हमारी साइड की सिलाई, ऐसे ही हम पीछे बनाते जाएंगे छोटी छोटी चुन। ये वाली चुन्नट बनाने के बाद इसको हमें यहाँ से पलटना है इस वाले मार्जिन को अंदर साइड और इसके ऊपर लगा देनी है हमें एक सिलाई। इस टाइप से मार्जिन को अंदर करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। ग्रीन टॉप की जैसा ये वाला टॉप भी बन चुका है और आई होप कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग समझ में भी आ गई होगी। और अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके नीचे क्या बनाना चाहिए, क्योंकि मैं एक तो सोच रही हूँ कि इसके साथ नीचे लहंगा बना लेना चाहिए या फिर मैं दीदी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसके नीचे अम्ब्रेला वाला प्लाजो बना लेना चाहिए। तो आप लोग ही फिर कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कि इसके नीचे हम लोग क्या बना लें। और फ्रेंड्स दीदी और हमने डिसाइड किया था कि अगर प्लाजो या लहंगा बनाएंगे तो ये चोली में जो फैब्रिक लगाया है इसका बनाएंगे और इसी का फिर दुपट्टा बनाएंगे। अगर नीचे धोती सलवार बनाएंगे तो फिर वो जर्मन सिल्क वाला साटन आता ना उसका बनाएंगे। फ्रेंड्स तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।